हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे मुंह की माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो गई है ड्यू टू बिटल नट और ड्यू टू सुपारी च्यूइंग और पान च्यूइंग, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें इस हैबिट को डिसकंटिन्यूड करना होगा, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। मुंह की लिमिटेड ओपनिंग जो है बहुत सारे कारणों से होती है, लेकिन अगर आप इस डिजीज़ को, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसमें सुपारी मुख्य कारण माना गया है, या फिर ज़्यादा स्पाइसी खाना, या फिर पान च्यूअर लोग, या फिर टोबैको यूज़र, तो ऐसे जो कंडीशन है उसको हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का ये मुख्य अपीयरेंस होता है, जो पेशेंट का चीफ कंप्लेन होता है, वो लिमिटेड माउथ ओपनिंग है। तो इस डिजीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग किस हद तक कम कर सकते हैं। तो जैसा आप नोटिस करेंगे कि ऐसे पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है वो लिमिटेड है, प्लस जब भी वो तीखा खाते हैं तो उन्हें छनछनाहट महसूस होती है ड्यू टू स्टिमुलस। वहाँ पे जो हमारे सरफेस है, एपिथेलियल सरफेस, वो थिन हो चुके हैं और वहाँ पे इजीली जो हमारे इरिटेंट हैं, जो कि सुपारी में प्रेजेंट हैं, वो इरिटेंट उनको एक कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस दे रहे हैं, जिसके कारण कि हमारी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है और ये डीपर मसल टिश्यू तक जा रही है। तो इसको रोकने के लिए हम स्टिमुलस को देना बंद करेंगे, प्लस हम अपने डाइट को अच्छा करेंगे। जो डाइट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हेल्दी फूड्स और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना, प्लस हम पहले ही अपने जो बिटल नट या पान च्यूइंग या टोबैको च्यूइंग की हैबिट है उसको क्विट करना है। और जो डाइट में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हमें बहुत सारे मल्टी विटामिन और कॉकटेल थेरेपी से गुजरना पड़ेगा, सिर्फ एक ही प्रकार के विटामिन से काम नहीं चलेगा, और अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट में रहने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर लेंगे, बिन सिर्फ आप यूट्यूब और गूगल से इलाज ना लें, काइंडली इस चीज़ को समझें। ये वीडियोज आपके फेवर में इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। तो सबसे पहला चीज़, आपको डॉक्टर के कंसल्ट में आना है, प्लस जो कॉकटेल थेरेपी है वो खुद स्टार्ट करेंगे आपके डॉक्टर, और रेजिम को बार बार बदलते हैं इस थेरेपी में, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। और इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और ज़रूरत के हिसाब से अगर लगता है तो पेशेंट को इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे कि माउथ ओपनिंग जो है वो इंक्रीज होती है। और जो भी हमारा इंजेक्शन का पार्ट है वो डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि उन्हें देना है या नहीं देना है, क्योंकि जो फाइबर अंदर बन गए हैं मुंह के अंदर, उनको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम दिया जाता है वो डिसीज़न डॉक्टर्स का होता है। तो आप इसको लाइटली ना लें, क्योंकि इसमें भी जो मैलिग्नेंसी का रेट है, वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, कैंसर होने के जो चांसेज होते हैं वो 7-13% होते हैं। तो इस बीमारी को आप पोटेंशियली, हम लोग जो है इसको जो रखा गया है पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, मींस इसमें हाईली पोटेंशियल है कैंसर कॉज करने की सारी क्षमताएं मौजूद हैं अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो। सो गाइज, इसे इग्नोर ना करें और अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आप माउथ ओपनिंग को बढ़ाने के लिए बैलून फुला सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक को दो दांतों के बीच में आप रख के माउथ ओपनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करते रहना है आपको, और हैबिट को ब्रेक करना है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। Thank you so much. If you like, please share and subscribe my channel. Thank you.